नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप वो कौन सी चीजें खाएं जिससे आपकी नसों को मजबूती मिले। शरीर को कई सारे फायदे होंगे अगर आप ठीक से फाइबर का सेवन करेंगे। फाइबर पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। पाचन खराब होने से पेट पर जितना अधिक दबाव पड़ेगा उससे नसों को रक्त प्रवाह के रुकावट के कारण नुकसान होगा। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओटमील, ब्राउन राइस, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, एवोकाडो, चियास, दालें आहार में शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जिनमें बहुत विटामिन सी हो, जैसे ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, गोभी, अनानास, संतरे इत्यादि। विटामिन सी शरीर की रक्त वाहिकाओं को भी मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करें, जिसमें सूखे मेवे, एवोकाडो, जैतून का तेल, कद्दू, आम, मछली इत्यादि शामिल है। नसों की कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए आपको विटामिन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीजों का भरपूर सेवन करना चाहिए। साथ ही सेंधा नमक सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को व नसों के बीच के संतुलन को बेहतर बनाता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है, जो इसके गुणों का मुख्य स्रोत होता है। यदि आपके नसों में बहुत दर्द होता है तो दर्द से प्रभावित क्षेत्र में पुदीने के तेल से मालिश करें। इससे आपके नसों के दर्द से राहत मिलेगी। सरसों के तेल से नसों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। सरसों के तेल को गर्म करके इससे मालिश करें। ऐसे करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। किशमिश खाने की आदत डालें। यह शरीर में अन्य लाभ पहुंचाने के साथ ही नसों की कमजोरी को भी बेहतरीन इलाज करता है। इसका इस्तेमाल आप सर्दियों के मौसम में ही करने की कोशिश करें। अश्वगंधा 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, बाही पत्र 100 ग्राम, इसब गोल की भूसी 100 ग्राम, ताल मिश्री 400 ग्राम, इस सब का एक मिश्रण बना लें और उस मिश्रण को सुबह व शाम दूध के साथ पिएं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी नसों की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आपसे कितनी सारी जानकारियाँ साझा की। आप अपने नसों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और साथ ही साथ फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें, जो जिसमें सबसे प्रमुख है विटामिन में विटामिन ई और विटामिन सी। जो भी खाद्य पदार्थ में विटामिन ई और सी मौजूद है उसका सेवन ज़रूर करें। साथ ही अगर आहार की बात करें तो सूखे मेवे, एवोकाडो, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, गोभी, अनानास, संतरे, आम, मछली, ये सारी चीज़ें वैसी चीज़ें हैं जो आपके नसों को मजबूती देता है। साथ ही इन सब का एक और इलाज की बात करें तो अश्वगंधा, सतावर, बाही पत्र, इसबगोल की भूसी, ताल मिश्री और इन सब का एक मिश्रण बना लें और उसको दूध के साथ पिए। ये भी आपको काफ़ी राहत पहुँचाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।